नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यानी कि एक्सपर्ट से जानेंगे कि फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में हमें क्या करना है। नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार, नवीन बोरीचा बोल रहा हूं थाने से। जी सर, मेरे पास फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर है, 18 रुपया बाइंग प्राइस है और क्वांटिटी 5,000 है। नवीन, आपका फ्यूचर रिटेल है कंज्यूमर? फ्यूचर कंज्यूमर। ठीक है, फ्यूचर रिटेल का भाव तो 3 रुपए है, लेकिन फ्यूचर कंज्यूमर का जो भाव है वो है 1.5 रुपए के आसपास। अविनाश जी, रेजोल्यूशन वाली ये कंपनियां हैं फ्यूचर ग्रुप की, भविष्य कुछ दिख नहीं रहा है, उम्मीद अभी भी है कुछ लोगों को कि क्या पता शायद एक जो संभावना होती है करिश्मे वाली, उसकी उम्मीद में लोग शेयर को होल्ड करके बैठते हैं। 5,000 की क्वांटिटी भी है, 18 रुपए के भाव पर है, और कहीं ना कहीं सोच यही रही होगी कि अब तो 18 रुपए का हो गया है, अब क्या गिरेगा देख लेते हैं, और ये शेयर देखिए 1.5 रुपए का हो गया। अभी पहले तो आप ये बताइए कि इसका भविष्य क्या है, इस कंपनी का क्या करना चाहिए जिसके पास है, क्या वो निकल जाए, बेच दें, भूल जाए, नुकसान सह लें, और ऐसे लोगों को भी गाइड कीजिए जो भाव देख के कई बार कंपनियों में कूद जाते हैं, शेयर खरीद लेते हैं और फिर ट्रैप हो जाते हैं। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर कंज्यूमर एक ऐसी कंपनी है जो कर्ज में बहुत ज़्यादा डूबी है और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ओवरऑल लीवरेज बैलेंस शीट पे इतना ज़्यादा हो गया है था कि इनके लिए अभी इस डेट ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल वाली बात लग रही है। इन्होंने 18 रुपये में शेयर लिया है, अभी शेयर का भाव करीबन 3-3.5 रुपया है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ऐसे शेयर में कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आना और इनकी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइस निकल जाना बहुत मुश्किल वाली बात लग रही है, क्योंकि ओवरऑल अभी सभी को पता है कि फ्यूचर ग्रुप अपने एसेट्स बेचने के बारे में सोच रही है, कहीं से भी अपना कर्जा कम करने के लिए वो एसेट स्ट्रिपिंग का उपयोग कर रही है, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए अगर होपफुली ये कोई बड़ा ग्रुप या कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें एक्विजिशन या टेक ओवर भी करता है तो निवेशकों को यहाँ से कुछ ज्यादा मिलेगा ऐसी उम्मीद नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें से निकल जाइए, लॉस बुक कर लीजिए और कोई दूसरे विकल्प में आप पैसा डालिए, दूसरे जो सेक्टर्स है, कंपनीज है जहाँ पे मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बनेगा, उसमें प्राइवेट बैंकिंग है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, कैपिटल गुड्स है, तो ये जो सेक्टर्स और सेगमेंट्स है वहां पे हो सकता है इन्वेस्टर अपना थोड़ा सा पैसा रिकवर कर ले, लेकिन ऐसी कंपनीज में मेरी एक ही राय रहेगी कि प्राइस देख के आप निवेश मत करिए, इस कंपनी का लिवरेज, इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, ये सारी बातें आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जमाने में ये बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी लेकिन अभी कर्जा ज्यादा होने के कारण इस कंपनी में अभी कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़ा कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लग नहीं रहा है। तो सजेशन इज एग्जिट द काउंटर एंड गेट इनटू समथिंग बेटर ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फ्यूचर में अच्छी कंपनी से। एग्जिट करने की सलाह है फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर से या फिर फ्यूचर रिटेल के शेयर से। फ्यूचर कंज्यूमर हम देख रहे हैं कि अभी भी करीब करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। अविनाश जी, ये बताइए कि अगर मान लीजिए इसका रेजोल्यूशन हो भी जाता है, कोई कंपनी ले भी लेती है, कंपनी के पास एसेट्स क्या हैं, अभी जो बिजनेस जो बचा है वो किस तरह का है, इस पर थोड़ी सी आप जानकारी दे पाएंगे? मुझे लग रहा है कि फ्यूचर कंज्यूमर में अच्छे ब्रांड्स हैं, इनके पास नॉट ओनली ये जो रिटेल माल का बिजनेस है लेकिन इनके पास काफी फूड प्रोडक्ट्स के, स्नैक आइटम के ब्रांड्स इन्होंने खरीदे, तो ये सारे ब्रांड्स अभी भी फ्यूचर कंज्यूमर में मौजूद है। सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए कोई नया इन्वेस्टर इसमें आता है, नई कंपनी लेती है, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी एक होप की रैली बढ़ेगी, बट उसके बाद जो पुराने शेयर होल्डर्स है उनको फिर भी काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिस बिजनेस में कर्जा ज्यादा है, कैश फ्लो नेगेटिव है, ऐसे बिजनेसेस को टर्न अराउंड करने में काफी समय लगता है, तो वैल्यू तो है बट एट दिस लेवल रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि अगर कोई डील बनती नहीं है, अगर कोई निवेशक इन्वेस्टर या कोई बड़ी कंपनी इनको टेक ओवर नहीं करता है तो आने वाले दिनों में अगले 2-3 क्वार्टर्स में तो लॉसेस और भी बढ़ेंगे और उसके बाद तो मेरे ख्याल से शेयर की प्राइस और भी कम होने की संभावना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा रिस्की बेट होगा जो लोग इसमें खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस शीट पूरी तरह से खराब हो चुकी है और कैश फ्लो नहीं है तो कंपनी कभी भी मेरे ख्याल से अपने ऑपरेशंस बंद भी कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन सा शेयर कब बाय करना है या फिर कौन सा शेयर कब सेल करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।